हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। तो कई बच्चों का भी कंफ्यूजन है कि सर ये कंपटीशन लेवल कैसा हो सकता है जेईई मेंस 2022 का। यू विल फाइंड कि जेईई मेंस 2021 में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं वो थोड़े से इजियर लेवल के होते हैं, बाद में जो लेवल ऑफ जो हमारा जो है कॉम्पिटिशन लेवल वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड्स एग्जाम का भी थोड़ा प्रेशराइज होता है और लास्ट टाइम पे फिर वो बोर्ड्स एग्जाम तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बच्चों को लगता है कि अभी मेरा 95 आया है तो मेरे को जो थोड़ा और बेटर करना है 97 करना है, तो उस टाइम पे ना कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है लास्ट टाइम तक। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए होना चाहिए ताकि हमारा ना बहुत अच्छी एक रैंक बन पाए। तो मेक श्योर टारगेट जो तुम लेके चलो वो फर्स्ट अटैम्प्ट का लेकर चलो ताकि तुम्हारा मोस्टली जो सिलेबस हो जाए वो 15th of February तक इजिली तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर तुम अच्छा नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा लेवल तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा और ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर होता है कि तुम फर्स्ट वाला जो अटैम्प्ट है उसी में तुम बहुत अच्छा फोड़ लो ताकि नेक्स्ट वाले जो अटैम्प्ट आने वाले हैं उसमें तुम्हें काफ़ी जो है इतना ज़्यादा तुम्हें दिक्कत ना जाएगी। करेक्ट। तो कंपटीशन लेवल तो इस बार से, क्योंकि यू विल फाइंड कि ड्रॉपर्स तो आते ही हैं तो वो तुम्हारा कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल तो हर बार ही तुम्हारा इंक्रीज होता है, बट टारगेट ये कि सारे चैप्टर्स को हमें कवर करना है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, क्योंकि कौन सा चैप्टर आएगा वी डोंट नो, बट हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हो तो तुम वो वीडियोस को जरूर दे सकते हो ना। और एक स्पेशल क्लास होने वाली है तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो जो कि 10:45 AM पे होती है अनअकैडमी में, तो वहाँ पे अपन क्विज भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर तुम्हें कोई कोड वगैरह पूछता है तो यू कैन यूज द कोड MLJSIR LIVE टू एंटर द क्लास। करेक्ट। और शेयर किया एज मच एज पॉसिबल। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।